हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी खूब अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गया सुबह का आगाज और घड़ी में बज रहा है अभी 7:45। तो आज लेट हो ही चुका है लेट हो चुका है। रीज़न बस यही है कि आज है बेटे का स्कूल बंद, सैटरडे है। तो छठ का जो 4 दिन का पर्व चलता है, आप लोगों को पता ही है। पहला होता है नहाए खाए, जिसमें कद्दू भात होता है, वो कल बीत चुका है। आज है खरना का प्रसाद खाने का दिन। तो खरना में आप लोगों को पता ही है, केला, रोटी और गुड़ का खीर बनता है दोस्तों। तो वो होगा आज प्रसाद, महाप्रसाद। और उसके बाद होगा महाछठ का पहला अर्घ, जो सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। और होगा 31st को होगा सूर्य देवता को दूसरा अर्घ चढ़ाने का दिन, मतलब निस्तार का दिन। उस दिन खत्म हो जाएगा सूर्य देवता का जो पूजा है, वो समाप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा 31 को। तो आप लोगों को छठ की महान शुभेच्छाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आप लोगों का दिन, आप लोगों का पर्व और आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छे से बीते, ये मैं कामना करती हूँ। और कामना के साथ अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा काम घर का अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बिस्तर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। बेटा कल इसमें रेंज भर के लेके आया था, पापा का गाड़ी का जितना भी रेंज वगैरह जो होता है, टूल्स वगैरह जो होता है, वो इसमें भर के लेके आया था कि वो मैं इसको लेके सोऊंगा तभी मैं इसे नीचे ले जाऊंगी। और घर में झाड़ू लगाना है, तो ये सब थोड़ा बहुत काम मेरा बाकी है दोस्तों ऊपर का। तो अभी वो करने के बाद नीचे जाऊंगी। और आज लेट थोड़ा सा उठी हूँ जाके ही, क्योंकि बेटे का स्कूल बंद है और बेटे को जल्दी उठा दूंगी तो वो फिर पूरे दिन लगा रहेगा अपने काम में और हम लोगों को भी इंगेज करता रहेगा अपने काम में। तो सोचा भाई थोड़ा देर लेट ही सो जा। और मौसम बहुत ही चिल है, तो आप लोगों को ब्लैंकेट तो नजर आ ही रहा होगा ज्योति दीदी ने ब्लैंकेट निकाल लिया है। और ब्लैंकेट ओढ़ के सोने में जो मज़ा है दोस्तों, कम ठंडी में, ज़्यादा ठंडी में नहीं, ज़्यादा ठंडी में तो हमें रजाई चाहिए। और कम ठंड, मतलब जिसमें फैन चले और या फिर स्वेटर लेने की ज़रूरत ना हो, उसमें ब्लैंकेट की ज़रूरत रात को पड़ती है और दोपहर को पड़ती है सोते वक्त, मतलब स्पेशली सोने के वक्त। तो वही मैं अभी कल ही निकाली हूँ, एक पापा लोगों को दी हूँ और एक मैं और मेरा बेटा निकाले। और बेटे का वुलन कपड़ा जो है उसमें रख दी थोड़ा सा निकाल के। और देख रही हूँ कि सब छोटा हो रहा है और इतना महंगा महंगा स्वेटर और इतना महंगा महंगा ड्रेस उसका छोटा रहा। अफसोस लग रहा है मुझे कि मैं क्यों पहले बड़ा नहीं खरीदी। बड़ा उस समय इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि वो ढोल जैसा लगता है दोस्तों, उसको कैरी नहीं कर पाता। और जो ठंडी है, जो विंटर, वो एक साल में एक ही बार आता है, फिर दूसरे साल आता है, तो उसमें बच्चे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से सोची हूँ कि उसके लिए जो भी ड्रेस खरीदूँ या फिर जो भी विंटर के का ड्रेस मटेरियल खरीदूँ, थोड़ा बड़ा खरीदूँ। और उसमें बड़ा ही खरीदूँगी। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ मॉर्निंग वाइब्स है मेरा, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप लोगों को भी आई थिंक अच्छा ही लग रहा होगा ज्योति दीदी का मॉर्निंग, क्योंकि काम के साथ बहुत दिन बाद स्टार्ट की हूँ। और हमारा जो ये रोड है दोस्तों, मेरे घर के बाहर का रोड, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बड़ा बांध जहाँ पे छठ होता है, छठ का महापर्व होता है, वहाँ पे गेट बन चुका है और मेले वगैरह की तैयारियाँ चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे गेट को इंगेज करके, मतलब गेट को बंद कर दिया गया है। मतलब गाड़ी आने जाने का कोई साधन नहीं रखा है, तो मेरे ही रास्ते से गाड़ियाँ पार हो रही है। तो पीपा आवाज आए जा रहा है और डस्ट भी उड़े जा रहा है। तो जो भी है दोस्तों, इतना बात नहीं करूँगी सुबह, नहीं तो बोलेगी ज्योति दीदी मोबाइल ऑन किया स्टार्ट करती। तो अभी मैं बिस्तर को समेट लेती हूँ, आज जो काम है वो कर लेती। तो दोस्तों, बकबक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच, वही पुराना काम लेके पुराने दिनों में। तो पहले तो मैं अपने पाँव का बिछिया ठीक कर ली दोस्तों, क्योंकि वो मच्छरदानी से लग के थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। और अभी मैं बिस्तर को समेट के अच्छे से रख लूँगी। और मेरे बिस्तर में क्या क्या रहता है आप लोगों को पता ही है, जैसे कि विक्स, हेडफोन, बोरो प्लस, ये सब। तो इन सबको अपने अपने जगहों पर रख दूँगी और इसको फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। और रखने के बाद लगा लूँगी घर में झाड़ू और पोछा लगाऊंगी थोड़े लेट से। तो पोछा लेट से लगाने का रीज़न यही है क्योंकि आज लेट से उठी हूँ, आप लोगों को पता ही है, 7:45 बजे मतलब नींद खुला। तो झाड़ू लगा के अभी रूम को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद पोछा लगा दूँगी। और बेटा आसपास मेरा घूमता रहेगा जब तक मैं
मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगी, देख सकते हो बेटा भी कैमरे के पास बैठ भी गया है। और अभी मैं नीचे जाने के बाद उसको ब्रश करा दूँगी, और ब्रश करा भी ली हूँ, और ब्रश कराने के बाद उसको ब्रेकफास्ट कराऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में उसका है दूध और चोकोस, यही खिला दूँगी अभी। और मेरे पापा दूध लेकर आए, वो गर्म हो रहा है, और कल का दूध बेटे को मैंने दिया। और मेरा जो ब्रेकफास्ट है बोले तो टी टाइम, वो है ग्रीन टी एंड शुगर फ्री बिस्कुट, इसी से मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है दोस्तों। और अभी मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है थोड़े वक्त के लिए, और आटा का गोला वगैरह ले लिया है वो जो ब्रेकफास्ट में बना था। तो बेटा तो ज़्यादा शैतान है ही, अब पूरे मुँह में आटा लगा लिया है, अब पूरे आटे को खा रहा था सूखे आटे को, इसलिए उसके मुँह में लगाया, देख सकते हो। अभी खिलौनों के साथ खेल रहा है तो अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी हो गया है दोस्तों लंच का टाइम, तो लंच में मेरा है घुगनी, लौकी का सब्जी, धनिया पत्ता का चटनी और रोटी। और घुगनी ज़्यादा रखा हुआ है, काबली छोले का घुगनी है, यही है हमारा आज लंच। तो मिलती हूँ आप शाम में, हेलो फ्रेंड्स, आ बाय। गए आप लोगों के बीच में। और अभी बज रहा है रात का 7:30। तो बेटा, पापा और मेरी मम्मी तीनों चले गए हैं नंदू के घर, मतलब मेरे पापा के, पापा नहीं, मेरे बेटे के दोस्त के घर, मतलब जो दीदा आती है मेरे घर, उन लोगों ने छठ किया है, तो उनके घर में खरना का प्रसाद खाने के लिए वो लोग चले गए हैं। तो यहाँ से काफी दूर है, रेलवे स्टेशन के साइड में है। और मैं भी ये साड़ी पहन ली हूँ, एक काथा स्टिच का है, सिल्क का है साड़ी। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये साड़ी, ये साड़ी मैंने 2018 के नवंबर में लिया था, और इस साड़ी को सिर्फ 2 बार पहनी हूँ, 2 बार, हाँ 2 बार पहनी हूँ सिर्फ। और 2019 के बाद आज फिर से पहन रही हूँ, तो 20, 21, 22, मतलब 3 साल पर, ये 2 साल के, मतलब 2 साल पर ये साड़ी पहन रही हूँ, मतलब 2.5 साल हो गया, 2.5 साल के बाद ये साड़ी पहन रही हूँ। काफ़ी गॉर्जियस साड़ी है, और काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों। और इसका जो काथा स्टिच वर्क है, ये आप लोगों को पता ही है, वेस्ट बंगाल में फेमस है काथा स्टिच वर्क, तो ये वर्क में ये पूरा बेस्ड है साड़ी। आंचल भी बहुत बहुत अच्छा है, आंचल भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं झटपट तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं फाइनल आप लोगों को लुक दूंगी। हाँ, मैं जा रही हूँ, मेरे घर के बगल में जो खुशबू है, मतलब घर के बगल में जो आंटी है, उन्होंने भी छठ किया है, लेकिन अपने भाई के वहाँ किया है, तो उनके वहाँ पे खरना का प्रसाद हम लोगों को खाने के लिए इन्वाइट किया गया है। तो मैं और मेरी चाचा की बेटी, मतलब मेघा मेरी बहन छोटी वाली, वो जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। तो वो रेडी शायद हो गई है, मैं ही नहीं हुई हूँ, तो मैं हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, बहुत ही सिंपल एंड सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ। बस एक कान में ग्रीन और पर्ल्स का एक, क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो वो एक डाली हूँ कान का ईयर रिंग, और लिपस्टिक लगाई हूँ, क्रीम लगाई हूँ, काजल लगाई हूँ, और कुछ भी नहीं की हूँ बस। तो अभी मेरे चाचा और मेरी काकी माँ, मतलब काकू काकी माँ और मैं, हम तीनों ही जा रहे हैं। तो वहाँ से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बहुत जल्दी वो लोग खड़े हैं, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। फिर मेरा ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों को मेरा सिंदूर देख के तो पता चल ही रहा होगा कि मैं छठ, जिनके घर में छठ होता है उनके घर से मैं आ गई हूँ अपने घर, बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा। और मैं प्रसाद लेके भी आ गई हूँ, प्रसाद देख सकते हो मेरा यहाँ पर है, ये मेरे 3 घरों का 3 प्रसाद। तो मम्मी भी अभी लेके आएगी प्रसाद, मम्मी भी गई है छठ, जहां पे छठ हो रहा है वहां पर। तो दोस्तों, ये छठ का महाप्रसाद जो है, महाभोग जो है, वो मिलना बहुत मुश्किल और बहुत नसीब वालों का ही, मतलब नसीब वालों का ही, सौभाग्य वालों को ही ये मिलता है प्रसाद। ये कहना है मेरे दादा पापा इन लोगों का कि ये छठ का प्रसाद हर किसी को नहीं मिलता है जल्दी, तो मुझे मिला और मुझे खाने का भी सौभाग्य मिल रहा है, तो ये भगवान का ही किया धरा है, मिल रहा है, तो ये तो हुई बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो फिलहाल दोस्तों, ये प्रसाद मुझे मिल गया है, तो मैं अभी थोड़ा सा खा लूंगी और बेटे का इंतजार करूंगी। बेटा आएगा तो क्या खाएगा, उसे भी खिलाना है, रात लंबी है आप लोगों को बताया, ठंडी के दिनों में। तो फिलहाल तो मैं साड़ी चेंज कर लूंगी, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है साड़ी में। और सब मुझे यही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग भी करोगे, कि पसीना क्यों हो रहा है इतना। तो दोस्तों, मैं जब भी क्रीम लगाती हूँ फेस पे, तो मेरा बहुत ज्यादा पसीना होता है, मैं आज कॉमेंट पे क्लियर कर दे रही हूँ, तो कमेंट पे नहीं, सॉरी, वीडियो में क्लियर कर दे रही हूँ कि मेरा पसीना होता है फेस में, आप लोगों को पता है। नॉर्मली आप लोग हमेशा मेरा ब्लॉग देखते हो तो देखते हो कि ज्योति दीदी पसीना से गीली रहती है, और मैं भी बोलती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा पसीना होता है। तो फिलहाल दोस्तों, आज का, अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बेटा आने के बाद रात को फिर से मिलेंगे,
क्या क्या किया मैंने वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो ये फिलहाल रख रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट्स बना ले फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं अपने रूम पे। बैकग्राउंड से तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। तो अपने रूम पे आ गई हूँ और एक मिनट। तो दोस्तों अभी मैं प्रसाद खा के मेरा पेट भर गया तो खाना नहीं खाई, और बेटा सिर्फ खाया व्हाइट वाला खीर, मतलब दूध वाला खीर आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर किया है, तो वो वाला खीर वो खाया, और फूलगोभी आलू का फ्राई खाया, रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाया। तो उसका भी डिनर कंप्लीट, मेरा भी डिनर कंप्लीट, और हम लोग अभी आ गए हैं ऊपर। तो ये मैं मच्छरदानी लगाऊंगी, बेटा भी थोड़ा खेल रहा है गाड़ी के साथ, और दिन को मैं सोई थी तो अभी ब्लैंकेट को मैंने फोल्ड करके नहीं रखा था क्योंकि ऊपर में थोड़ा गरम गरम सा रहेगा, इसीलिए बेड इसे मैंने फोल्ड करके नहीं रखा था। और अभी बज रहा घड़ी में 9:25, तो हम लोग बिस्तर करेंगे और सो जाएंगे। तो आप लोगों का आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, खन्ना का बरसात आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कीना नहीं बेटा, खरीदा पापा ने, खरीदा बोलो, पापा ने खरीदा। तो उसका हिंदी सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, मम्मी बोल रही थी आज कि तेरा बेटा जल्दी सीख गया, तू तो लेट से सीख रही है। ये खरीदा पापा ने जहाँ पे रहते हैं, है ना, वहां से लाए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो या नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर पसंद आए तो। वाकई बिना पसंद आए तो मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की वीडियो, अच्छा आज खरना छठ मैया का जो महापर्व स्टार्ट हुआ है उसका दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर की। फर्स्ट डे का नहीं कर पाई थी क्योंकि कद्दू भत्ता में मैं कहीं गई नहीं थी, और रीजन ये था कि कल मेरे बेटे का स्कूल था तो मैं स्कूल लेके गई थी, तो कोई भी ब्लॉग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो आज का शेयर की, तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में खूब जल्द, बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।